केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। वहीं चौधरी चरण सिंह देश के पांचवें और नरसिम्हा राव नौवें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से विभूषित किए जाने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से देश के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की। भारत के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खिलानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था, उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है।